हेलो बच्चों होप यू ऑल आर डूइंग गुड टुडे वी आर डूइंग द चैप्टर नेम्ड स्टे हेल्दी कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं डिस्कस द रूल्स दैट वी मस्ट फॉलो टू स्टे हेल्दी क्या क्या ऐसे रूल क्या क्या ऐसी बातें हैं जिनको फॉलो करके हम हेल्दी रह सकते हैं कि आपको एक पिक्चर दिखाई गई है ठीक है अच्छे से आपको नहाना चाहिए खाना खाना चाहिए खेलना चाहिए और टाइम पर सो जाना चाहिए तो दीज आर द

टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग वी मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स और हमें हेल्दी और स्ट्रोंग बनने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए गुड फूड अच्छा खाना, खाना खाना चाहिए क्या क्या खाना चाहिए खाने में वी मस्ट ईट क्लीन एंड हेल्दी फूड साफ सुथरा स्वास्थ्य भरा हेल्दी फ़ूड खाना चाहिए हमें हेल्दी फूड मेक्स अस स्ट्रोंग क्योंकि हेल्दी फूड जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है इट कीप्स अस फ़िट इट गिव्स अस एनर्जी टू वॉक एंड प्ले वो हमें फिट रखता है तंदुरुस्त रखता है और हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए खेलने के लिए इट हेल्प अस फाइट अगेंस्ट डिजीज और बीमारियों से बचाने में बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है अच्छा खाना वी मस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर हमें बहुत सारा पानी भी पीना चाहिए द फूड वी ईट एंड द वॉटर वी ड्रिंक मै क्लीन जो भी खाना हम खाते हैं और जो पानी हम पीते हैं वो साफ होना चाहिए ओके नाउ प्ले एंड एक्सरसाइज एक तो हमें अच्छा खाना खाना चाहिए दूसरा है प्ले एंड एक्सरसाइज हमें खेलना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए एक्सरसाइज कीप्स आर बॉडी फिट एक्सरसाइज से हमारी जो बॉडी है वो फिट रहती है हमें हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए We can play and work without getting tired. जिससे हम क्या कर सकते हैं हम खेल सकते हैं और काम कर सकते हैं बिना थके हुए अगर हम डेली एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अप हो जाता है और बिना थके हम बहुत देर तक खेल भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं रनिंग साइकिलिंग स्विमिंग एंड प्लेइंग गेम्स आर गुड एक्सरसाइज और अच्छी एक्सरसाइज क्या होती हैं जैसे आप रनिंग कर सकते हो साइकिलिंग कर सकते हो स्विमिंग कर सकते हो या गेम्स खेल सकते हो ओके okay? आउटडोर गेम्स आर गुड फॉर एस जो आउटडोर गेम्स होते हैं घर से बाहर जाकर हम खेलते हैं जैसे क्रिकेट है हॉकी है बैडमिंटन है ये बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए वी कैन डू योगा एज वेल और एक्सरसाइज के साथ साथ हम योगा भी कर सकते हैं योगा इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज दैट कीप्स आर बॉडी एंड माइंड हेल्दी योगा क्या है योगा एक एक्सरसाइज का ही टाइप है जिससे हमारे जो बॉडी और जो हमारा माइंड है वो हेल्दी रहता है रेस्ट एंड स्लीप enough rest is needed to maintain good health. We must take enough rest. We must sleep for at least एट hours every night. हमें जो है पूरा रेस्ट चाहिए होता है अपनी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए और अच्छे से रेस्ट करना चाहिए आराम लेना चाहिए क्योंकि जो कम्प्लीट रेस्ट है वो स्लीप नींद से ही आता है वी मस्ट स्लीप फॉर एटलीस्ट एट आवर्स और एक रात में हमें कम से कम आठ घंटे की नींद लेनी चाहिए वी मस्ट स्लीप अर्ली एंड गेट अप अर्ली और हमें जल्दी से सोना चाहिए और जल्दी से उठ जाना चाहिए ओके नाउ क्लीन हैबिट्स क्लीन हैबिट्स में क्या होता है बच्चों वी शुड ब्रश आउट इट वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट हमें क्लीन हैबिट्स अपनानी चाहिए ब्रश करनी चाहिए अपने दांतों को बेड पर जाने से पहले और सुबह उठते ही ओके दो टाइम ट्वाइस अ डे ब्रश करनी चाहिए एक सुबह उठते ही दूसरा सोने से पहले वी शुड वॉश आर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड और खाना खाने से पहले खाना खाने के बाद हमें अपने हैंड वॉश अच्छे से करना चाहिए वी शुड टेक अ बाथ एवरी डे हर रोज नहाना चाहिए वी शुड वीअर क्लीन क्लोथ्स साफ कपड़े पहनना चाहिए वी should क्लीन एंड कॉम्ब आर हेयर और अपने बालों को क्लीन रखना चाहिए अच्छे से कॉम करके रखना चाहिए आर नेल्स मस्ट be क्लीन हमारे जो नेल्स हैं नाखून वो अच्छे से ट्रिम कटे हुए होने चाहिए और क्लीन होने चाहिए वी should ट्रिम दैम रेगुलरली और रेगुलरली हमें जब भी हमारे नाखून बड़े हो जाते हैं तो उनको कट कर लेना चाहिए ट्रिम कर लेना चाहिए ओके नो लेटस्ट रिवाइज द चैप्टर फास्ट गुड हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ जो गुड हेल्थ है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है वी मस्ट ईट हेल्दी फूड हेल्दी फूड खाना चाहिए हमें वी मस्ट ईट क्लीन फूड एंड ड्रिंक क्लीन वॉटर हमें साफ पानी साफ खाना खाना खाना, खाना चाहिए वी मस्ट एक्सरसाइज एवरी डे डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए वी शुड हैव सफिशियंट स्लीप और हमें अच्छे से नींद लेनी चाहिए कम से कम आठ घंटे घंटे की नींद लेनी चाहिए ओके बच्चों तो इस चैप्टर को आप फिर से रीड करोगे एक बार और जो एक्सरसाइज़ की प्रैक्टिस है वो खुद से करोगे